नरखेड़ तहसील के हिवरमठ में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। इस घटना से दोनों गांव में मातम छा गया। योगेश पाथे और पेठ मुक्तापुर के दिनेश कमाठी और बाबाराव इंगले मृतक व्यक्तियों के नाम हैं। इस बीच रविवार की सुबह राकांपा के युवा नेता जिला परिषद सदस्य सलील देशमुख ने दोनों गांवों का दौरा कर पाथे कमाड़ी और इंगले परिवार को इस दुख की घड़ी में सांत्वना दी और कहा कि सरकार जल्द से जल्द इन तीनों परिवारों की मदद करने की कोशिश करेगी। सलील देशमुख पेट मुक्तापुर में इंगले परिवार और बाद में पाथे परिवार से मिलने गए। बाद उन्होंने ग्रामीणों से घटना की पूरी जानकारी ली। सलील देशमुख ने कहा कि घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह की घटना को दोबारा होने से रोकने के लिए रास्ता खोजने की जरूरत है। इसके बाद सलील देशमुख और जिला कलेक्टर आर विमला ने जाकर सांत्वना दी। योगेश पाथे की शादी 10 दिन पहले हिवरमठ में हुई थी और दिनेश पाथे की 5 महीने पहले शादी हुई थी। इस घटना से पाथे कमाड़ी और इंगले परिवारों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है और हम उनका दुख बांटते हैं। आखिर अनिल देशमुख के निर्वाचन क्षेत्र का हर व्यक्ति हमारे परिवार का हिस्सा है, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि 3 परिवारों को जल्द ही सरकार के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। इस मौके पर सलील देशमुख के साथ जिला कलेक्टर आर विमला, अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत उभारकर, तहसीलदार बीडी जाधव के साथ सरपंच जलालखेड़ा, थानेदार मनोज चौधरी, प्रखंड विकास अधिकारी नीलेश वानखेड़े, अध्यक्ष नीलिमा रेवतकर, जिला परिषद सदस्य प्रीतम कौर, पंचायत समिति सदस्य सुभाष पाटिल, मयूर उमरकर, वसंत चांडक, अतुल पेठे, संजय बरोड़ेकर, नारायण ठाकरे, नानाजी मालोदे और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।